आप लोगों ने हमको अपना दर्शन दिखाई कि हम गरुड़ बागेश्वर के हैं और हमारा मैके का इलाका क्या है, ये नेत्रा देवी मंदिर का इलाका है हमारा। धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद धन्यवाद। बुरा मत माना, चाहे डबल पीछे जाना। बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव नवाड़ में आए हैं। मेरा नाम देवेंद्र रोतला है और जो आपने यहां पे मेडिकल किट पहुंचाई है, इससे जो है हमारे गांव वासियों को बहुत सुविधा होगी और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहां पे आए। धन्यवाद धन्यवाद। गांव है ना टिमटा गांव में, हम आज गांव के लोगों से और वहां के आम जनों से, प्रधान जी से, तमाम लोगों से मिलेंगे और साथ में हम वहाँ जो COVID-19 का जो हम कुछ सामग्री लेके आए हैं गांव में जाएंगे, जागृति अभियान चलाएंगे और जो किट है हमारे पास, जो मेडिकल किट है, उसको हम गांव में देंगे और नौबाड़ा और उत्तम झानी, ककड़खेत और ये टिमटा, चार पांच गांव में आज हम जाके ये अभियान करने वाले हैं। और मास्क हो गए, कुछ हो गए, और ये मास्क हो गए, बच्चों के मास्क हो गए, ये है, ये गन है, थर्मल गन, ये मशीन है, ये है सैनिटाइजर चार। ककड़खेत और टिमटा गांव की तरफ जा रहे हैं। सामने 1 किलोमीटर पर टिमटा गांव है। हमारे पास जो मेडिकल किट है उसको हम गांव में देंगे और नौबाड़ा और उत्तम झानी, ककड़खेत और ये टिमटा, चार पांच गांव में आज हम जाके ये अभियान करने वाले हैं और हम अब टिमटा हम पहुंचने ही वाले हैं। और हमारे साथ हमारे साथी, युवा साथी हरीश बोरा और हमारे डॉक्टर भाई हमारे भोपाल सेन जी, और आगे हमारे साथी एक और हैं, नारी मेहरा जी हैं, और जो वीडियो बना रही हैं ये हैं प्रतिभा राणा। चिंता यावनी भैया नमस्कार। नाम लगता आपके दर्शन करने के मौके और काम को मिला, और उसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे डॉक्टर भाई गोपाल सेन जी हैं और हमारे युवा साथी हरीश बोरा जी हैं और हमारे नारायण मेहरा जी हैं, और मैं पुनः आप सबका हृदय से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 20-25 सालों से जिला बागेश्वर के गुरु क्षेत्र में हम सामाजिक काम करते हैं और इस बार कोविड के इस पिछले 2 सालों से हम ये अभियान चला रहे हैं कि गाँव में हम लोगों को जागरूक कर सकें, और जागरूकता के साथ साथ हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कोविड के इस समय हम लोग सतर्क रहें, अपने मास्क लगाएं और डरे नहीं, कोविड टेस्ट कराएं अगर परेशानी होती है, बुखार होता है, और हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है। और इसी क्रम में हम ये कुछ सामान यहाँ लाए हैं। हमने कहा कुछ जो किट है हमारे पास जो आम आदमी तक पहुंच जाए जब परेशानी होती है गांव में, तो हमारे आपने कहा ये बताया कि आप सब जानते हैं, तो तुमसे ये गांव में ये सब आ जाए और गांव वालों को इसका लाभ मिल सके, बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप लोग 2-4 लोग जितने ये यहाँ पहुँचे, और हरीश पंत जी का मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने साथियों का भी, हमारे नर्दा का, हमारे हरीश भाई का, हमारे डॉक्टर साहब का और बिठिया का, और बस अब ज्यादा ये हमारे व्यवसाय ये इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो ये आपके आपको बताएंगे कि क्या क्या कौन किस
काम आने वाला है तो डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, भाई हमारे सेन जी। इंजेक्शन भी है, फर्स्ट एड बॉक्स में इंजेक्शन भी दिया हमने ना, दर्द उधर के इंजेक्शन टाइप कुछ है, शुगर की मशीन भी है। हाँ तो अभी अभी करते हैं चेक कर तो उसके लिए दो लोग जो जानते हैं उनके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। इसके अंदर पहनाया जाता है, इसको पहना लेना और उसके बाद इसके मीटर ब्लड शुगर नापने की मशीन, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ ज्यादा सीरियस है तो जाने ही पड़ेगा, ये तो खाली फर्स्ट एड बॉक्स है। अब अगर हम एक के पास वो रखें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तभी तो कह रहा हूँ काम ही ऐसा है कि एक अगर कहीं गाँव शहर चले गया मार्केट चले गया, बाकी यहाँ करता हूँ तो कोई सवाल नहीं पाएगा, इसलिए चार लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये फर्स्ट एड कहा जाता है इसको, जो पहले प्राथमिक उपचार जो पहला उपचार है कभी दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसके लिए। ये सेवलॉन है, डिटॉल जो भी है, विटामिन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कभी घाव हो जाता है, कट जाता है तो पहले आपने हमारा गांव देख लिया है। अगर कोई कवर मिल जाए चूहे वगैरह ना काटे और सफाई के साथ रहे ये बेल्ट है, अगर आप लगा आशा बहनों ने ये ऑर्डर को दिया था, आशा बहनों को ये नम है कि तुम अपने गांव में जो भी तुम्हारे टाइम से छपा के आप हमारे तो ऐसे समय में परसों वाली महिला न जाए दूसरे गाँव में। आज क्या है, खांसी जब शुरू होती है, जब गला बंद हो जाता है किसी का खांसी तो भाप की जरूरत पड़ती है, तो भाप स्टिप मांग रहा है, स्टिप के लिए इसको स्टिप देना पड़ेगा। उसके बाद स्टिप डालने के बाद ये ब्लड मांगता है। कितना है बाबू, कितना कितना हुआ? 35 किलो। कहाँ जो ये तले रास्ता
टूटता उसको। अपना पहले परिचय दे देते हम लोग। मेरा नाम डॉक्टर किशन राणा है, मैं जिला बागेश्वर गुरु का रहने वाला हूँ। किशन सिंह राणा बोला, आप हरी सिंह बोला जी, हम सब कार्यकर्ता है डॉक्टर हमारे पास और सैन भाई और हमारे मैं मेहरा जी और मैं लारा ठीक सर। और हम लोग असल में इस कोरोना काल में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ ये अभियान चल रहा है अपने गाँव गाँव जाकर के सैनिटाइजर है, मास्क है, तमाम चीज़ें आती है, प्लस उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हमारी मंशा यही है कि ये सामान का उपयोग आपके गांव के लिए, आपके लोगों के लिए हो और अच्छे हाथों में जाए और उसका उपयोग सारे गांव वाले कर सके, ये हमारी मंशा है। और मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी, यहाँ के जो बुजुर्ग जो लोग हैं और हमारी युवा साथी सबको, माँ बहनें जो है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने हमको समय दिया। और ये मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो सामान है ये सबके काम आएगा और सबके उपयोग में आएगा और इस कोविड काल में हम इससे लड़ेंगे और हम जो है आगे बढ़ेंगे, संघर्ष से काम करेंगे। अगर तकलीफ होती तो टेस्ट भी करेंगे। हमारे जो डॉक्टर साहब है, हरीश बोरा भाई है, प्रकृति भाई और हमारे नारी मेहरा जी जो है, हम सबको, सब लोग यहाँ आए हैं और सबको आप सबको धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर भाई ये चीज़ ये किट क्या क्या है, कैसा कैसा है, आपको बताएंगे। किसी का बीपी में दिक्कत आ रही है, क्या और कई सारी चीजें हैं बताते हैं। और ये समझ लीजिए इतनी जरूरत थी हम लोगों को इसकी, इतनी जरूरत थी। आप लोगों का काम ये है कि जैसे किसी के पास प्रधान जी किसी के पास सामान रख देता है, अच्छा आप बोल रहे नहीं इनको देखो किसी बार रख देंगे हम सामान, जिसको आप कहते हैं एक व्यक्ति को हम दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग कहते हैं तो और बेहतर रहेगा। पहचान लोग क्या क्या करना है, तुम किसी का भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे कोई जरूरत नहीं। उससे कहीं जाना कोई है कि हमारा लाभ उससे बहुत असर होने वाला है और हम लोग को बहुत जरूरत थी इसकी। हम ब्लड प्रेशर बताने दुराहट जाओगे यहाँ से, कई बार रास्ता कर वो करना, कई बार बूढ़े बुजुर्ग गर्भवती महिला है उनका ब्लड प्रेशर हो जाता है, एनएम मांगती है, कभी एनएम दूर होती है उसको ब्लड प्रेशर, यहाँ के जो बहने अगर सीखना चाहती हूँ आगे आए और सीखे, आराम से ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंट आपके पास। कई बार सोचता है लोग झाड़ियाँ काटते हैं, कई बार सोचता है कि कुछ इसी जोड़ लेंगे हेल्थ ब्रेक करने को, नेक्स्ट टाइम को इसलिए और भी चाहिए, क्या बोलता है उसको पेस्ट कंट्रोल टाइम में जो मच्छर के लोग है ना, तो हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड समझे। अब क्या है जब ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं, दुनिया कहाँ कहाँ से हमारे लोग कर रहे हैं, अपनी देवता से लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए फर्ज बनता है कि मतलब पहले बात आप धन्यवाद दें इनको। और दूसरा ये है कि ये जो सामान दिया जा रहा है हम लोगों को और सब लोगों को जैसे करना दान उन्हों का भी वहाँ जाओ चेक कर लियो है ना, ऐसा कर लियो है ना, हम लोग उसका फायदा उठाना है। इनको धन्यवाद है, साफ लोगों बहुत धन्यवाद। आओ बहन गर्म पानी डाल के इसको ऐसे लॉक कर देते ऊपर से और ये पाइप में सबके लिए डाल के इसको, ये तो एक तो ये है इसको बाहर से लग जाएगा ऐसा ऐसे, ये इसको अंदर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अंदर डाल के गले से उसी में फिट होगा सेम। और इसका जब यूज करोगे इसको निकाल दो। हमारे मैं सबको नमस्कार करता हूँ, तहसील सस्ता जिला बागेश्वर गरुड़ से डॉक्टर किशन राणा और हमारे तमाम साथी यहाँ पर हैं, मिस्टर हरीश बोरा, नारायण सिंह मेहरा जी, डॉक्टर भूपाल सेन और ये और एक बेटी और है।
लगाओ। अच्छा फिर ऐसे नमस्कार आइए आइए और भी है कोई शुरू कर देते फिर बात। हाँ जी हाँ सब आए उधर चले जा ठीक है। सबसे पहले तो ग्राम प्रधान जी हमारे हरी सिंह रोहते हीरा सिंह रोहतेला जी ग्राम नवाड़ा के प्रधान जी मैं सब आपको सबको बुजुर्गों को नमन करते हुए हमारी बहने माता और सबको काकियों को प्रणाम। मेरी तरफ से मैं डॉक्टर किशन राणा जिला बागेश्वर गरुड़ से आया हूँ। ऐसी हमारी एक संस्था है लेकिन और हमारे साथ हमारे जो साथी हेल्थ वर्कर है भूपाल सेन जी हमारे हरीश बोरा जी हमारे सोशल वर्कर हम लोग गरुड़ इस ऐसी संस्था से यहाँ आपके बीच में आए हैं। और पिछले साल भी हमने अभियान किया अपने इलाके में गरुड़ क्षेत्र में इस साल भी हम ये जागरूकता का अभियान कोविड से कैसे बचे हैं कैसे लड़े हैं और कैसे हम जागरूक हुए ये अभियान को कर रहे थे तो इसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं कि कल ये किट जो ये किट इसमें सामान है कल आपके गाँव के काम आए और जब कभी कोई तकलीफ होती है मुसीबत के समय हमारे भाई जो हम इसीलिए कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग आओ तो हमारे भाई हैं या कोई बहन इसको सीख ले क्योंकि हम बूढ़े लोग जो हैं अब हमको तो अंतानिब है तो जो नए जो युवा हैं वो इसको देखें सीखें और आगे हमारे गांव के काम आए ये हमारी मंशा है। तो पुनः मैं आपका सबका बहुत अभिवादन बहुत नमस्कार आपने समझ दिया के घर घर में भी यूज होने लग गया है तो इसका यूज किया जाता है। आमा बैठो 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 इसको कैसा लगा हमारे मुँह कस लगा आज ठीक लगा बताओ नहीं बताओ हम गरुड़ बागेश्वर बहरी वही लगता अब तुमको जरूर फायदा हो लिया सीख लियो बस तुम वही अब ठीक है चलो अब तुम अभी यह यूज करिया वही। हम सभी ग्रामवासी नवाड़ा वाले उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इस इलाके के लिए और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इससे हम ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें कोविड की इतनी बड़ी समस्या हो रही है इस एक ईश्वर के रूप में वो अवतार होगी वो हमारी मदद करने जा रहे हैं इसमें हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्द का इंजेक्शन है इसमें सिरिंज है और इसमें ऑपरेशन ब्लेड होगा कैंची होगी ग्लव्स हैं ये स्ट्रिप हैं और उसके साथ साथ ये स्ट्रिप सो जाता है साफ करने के लिए इसको यूज करना है। ये इंजेक्शन आप डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे ताकि अपनी मर्जी से कोई भी इंजेक्शन हम तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। हम तो ये कह रहे कि पहले तो आपने गांव वालों को सुनना नहीं दी हम तो खड़े खड़े चल जाए जैसे गाड़ी पकड़नी हो और जिन्होंने ये अभियान चलाया हम तो उन लोगों को धन्यवाद करें चाहेंगे उन्हें दूर से आप लोगों को यहाँ आने वजह से आप लोगों ने हमको अपना दर्शन दिखाया कि हम गरुड़ बागेश्वर के हैं और हमारा मैके का इलाका क्या ये नेत्रा देवी मंदिर का इलाका है हमारा। धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद धन्यवाद बुरा मत माना चाहे डबल जीते जाना चाहे आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गाँव नवाड़ा में आए हैं। मेरा नाम देवेंद्र रोतेला है और जो आपने यहाँ पे मेडिकल किट पहुँचाई है इससे जो है हमारे ग्रामवासियों को बहुत सुविधा होगी और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए धन्यवाद धन्यवाद। प्रधान जी आपको अभी आपने हमने समझाया कि जो भी मेडिकल किट है जरूरी सामान है तो इसमें आपको कैसा लगा जो हमारा प्रयास है कि गांव में दूर दराज गांव में लोग इससे फायदा उठा सके इसका तो आपको आप अपनी जानकारी धन्यवाद है आप लोगों का आपने हमारे गांव में जो ये किट मेडिकल किट पहुंचाई आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद और इससे हम अपने ग्रामवासियों को मेडिकल सुविधा जो है प्रदान करें प्राथमिक मेडिकल सुविधा जो गांव में हो सकती है वो दे सकते हैं। आप अपना परिचय भी दीजिए कौन गांव ग्राम सभा कहां से है। हमारी ग्राम सभा नौवाड़ा है
ये तहसील दौराहाट के अंतर्गत आती है, जिला अल्मोड़ा, ब्लॉक भिक्यासेन। आप इधर के ग्राम प्रधान? हाँ, हीरा सिंह रोतेला, मैं ग्राम प्रधान नौबाड़ा। ना ये पाइप का भी सीधे हाथ में आना चाहिए, इसको दो। हाँ, थोड़ी देर में ममता के नर्स बनेंगे ये बढ़िया। ठीक है ठीक है, इसको खोलो खोलो, आप ही खोलो, आप खोलो। बंद हो बाबू। कैसे होता है बताते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला, जिससे इसका बटन यहाँ से होता है, ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ये बच्चों वाला, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो आपने बदलती ठीक है। आज नहीं भी होगी, 5-7 हज़ार की मशीन होगी, लेकिन ये मुंह वाला भी है एक ना, जिसको अगर ज्यादा प्रॉब्लम किसी को लग रहा है कि यार मैं मुँह से ले सकता हूँ, तो आप इसको सैन क्या है, दवाई है, भाप आएगी और अंदर बाहर बाहर निकाल सकते हो उसको। ठीक है, इसका यूज हो गया सभी उनको, मतलब अगर आप जब तक घर पर रहोगे किसी को प्रॉब्लम नहीं, आप यूज करके दिखा देना बच्चों को, जो गांव में रहते हैं, और वो आगे कभी यूज कर लेंगे। जिसको ये क्या बताया कि ये किसके, ये किसके बारे में बताया आपने, ये क्या बताया? नेबुलाइजर के। अच्छा, नेबुलाइजर का नाम है नेबुलाइजर, भाप मशीन है, भाप मशीन। आज हम कक्कड़ खेत में हैं और हमारे प्रताप सिंह जी, हमारे सैन्य सब लोग, हमारे मिश्रा जी लोग यहाँ हैं।